अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलवाक डिशेस। कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि खैरियत से रहें और खुशहाल रहें। तो चलिए आज हम बनाएंगे इफ्तारी के लिए खीमे के समोसे। देखिए कितने बेहतरीन और मज़ेदार समोसे आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी 200 ग्राम के आसपास खीमा है ये। धोकर इसे मैंने अच्छी तरह से रख लिया था पहले। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये है चिकन मसाला पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। वही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम खीमे को गलने तक पकाएंगे और इसका पानी पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। 1/2 ग्लास मैंने यहाँ पानी डाला और इसे हम ढककर पकाएंगे 10 से 15 मिनट ताकि इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए और खीमा भी गल जाए। तो देखिए 15 से 20 मिनट मैंने इसे पकाया। खीमा बिल्कुल रेडी है, गल भी चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो रहा है। पानी हमें नहीं रखना है, बिल्कुल ड्राई करना है इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इस स्टेप पर ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ऑमलेट कट कर ली थी और ये हरा धनिया है 1 बंच हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। समोसे की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए हम एक लाई तैयार कर लेंगे समोसे बनाने के लिए। स्टफिंग तो हमारी रेडी है। थोड़ा सा मैदा और पानी थोड़ा घोलकर हम इसे एक लाई सी बना लेंगे। तो ये समोसे की पट्टी का मैंने देखिए वीडियो डाला हुआ है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को देखिए। ये समोसे की पट्टी हम ले लेंगे इस तरह से। फोल्ड करना है हमको और लाई लगा लेना है, फिर से क्रॉस फोल्ड करना है। अब ये एक पॉकेट बन जाएगी, इसमें हम खीमा भर देंगे। यहाँ लाई लगा लेंगे और ये इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरह से सारे समोसों को हमें बना लेना है। अब हम फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। ऑयल हमारा बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए बल्कि मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, वरना ये जल जाएंगे। तो देखिए ऑयल ज़्यादा गर्म ना करें। तो देखिए एक साइड जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसे टर्न कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। देखिए ये हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं। इस तरह से क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी हैं ये और अंदर से बहुत ही मज़ेदार। सारे समोसे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म समोसे बिल्कुल रेडी है। इस इफ्तार पर आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।